हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फॉल गाइस वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फॉल गाइस की ट्रिक्स बहुत सारी सीखने वाले हैं, जैसे जैसे हमारे मैप आने वाले हैं। तो पहला मैप आया हमारा पजल बात, जिसकी ऑलरेडी मुझे ट्रिक्स मालूम है। इसमें कोई ट्रिक्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसमें आपका दिमाग जो है वो सुपर फास्ट काम करना चाहिए कंप्यूटर की तरह, तो आप फर्स्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। और दूसरी ट्रिक ये है कि भाई दूसरों को फॉलो कर लो और उससे आप क्वालिफाई हो जाओगे, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आगे बहुत लोग थे जो बहुत पहले आ चुके थे, तो उनको फॉलो करोगे तो आप और जल्दी क्वालिफाई हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो लोग जा रहे हैं, तो इसलिए हम उनके पीछे आ गए। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आया हूँ, वो देखो सामने की तरफ लोग जा रहे हैं, तो हम लोग इनके पीछे चले जाएंगे और ये हो गई ट्रिक फेल। तो भाई यहाँ पे किसी गलत बंदे को मैंने फॉलो कर लिया भाई, जो कि सबसे पहले आया था, और ये और पीछे आते हुए हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं वापस से। तो मुझे फिर से पूरा क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फॉलो करने का यही ड्रॉबैक है गाइस कि आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यार बंदा ज़रूरी नहीं है हर बार सही साइड में जाए। तो मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है भाई ढूंढना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लूँगा मैं। देखो पिछली बार भी तो मैं इसके अंदर से गया था, फिर मेरे को उल्टा क्यों रास्ता दे दिया, मुझे समझ नहीं आया भाई। लगता है उल्टी साइड से मंदिर आया हूँगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे घूम के, यार ये गया, उसके बाद यहाँ से घूमते हुए इसमें जा रहा है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, और ये था सही रास्ता। वो बंदे ने भाई पूरा गलत ले गया मुझे। इसके बाद यहाँ से घूमते हुए हम देखें तो ये तो सही जा रहे हैं, दोनों भी यहीं जाना है। और ये देखो कितनी आराम से क्वालिफाई कर लिया हम लोगों ने। तो अभी मैंने जल्दी से इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करी, जैसे ही मैप का प्रीव्यू आया तो उसमें वो बोल रहा था भाई कि जो बीच वाला रहता ना सर्कल, ये इधर आके खड़े हो जाओ तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बीच में तो सबसे ज़्यादा लाते पड़ेंगी राइनो से, तो फिर हम लोग तो आराम से बाहर हो जाएंगे, लेकिन सब यहीं आके खड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं भी आके खड़े हो जाता हूँ। और ट्रिक वाले ने भी यही बताया था, तो मुझे यार इतना कंफर्म तो लग नहीं रहा, लेकिन यार सही बात तो है, इसमें ना ज़्यादा दूर उड़ नहीं रहे हम लोग। जैसे ये मार रहा है राइनो तो हम लोग बस यहीं पर गिर रहे हैं बगल में। देखो ज़्यादा दूर उड़े नहीं रहे थे, लेकिन फिर दो तीन राइनो ने मारा और एक ही बार में उड़ा दिया मुझे। तो एयर टाइम आ चुका है गाइस इसकी। तो यार इतनी लंबी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो थी, मैंने थोड़ी सी देखी और जितना मुझे समझ में आया उसने ये बोला था कि यहाँ बीच में से जा सकते हो सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये नहीं हुआ तो फिर ये साइड में डमरू में जाके तबले बजा के ट्राई कर सकते हो, ये भी नहीं हुआ, चलो ठीक है। इसके बाद इसने बोला था एक लेफ्ट साइड में रहता है, हाँ ये रहा, इसमें भी आप कूद सकते हो वैसे, लेकिन एक बार हम लोग फिर से बीच का ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अच्छा खासा था। लेकिन ये देखो ये फिर फेल होते हुए। अब हमारे पास बचा है लेफ्ट वाली साइड का ट्रिक, तो ये भी एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे आए और यहाँ पे थोड़ा पैदल चलने बोल रहा था, उसके बाद गिरा था, ये ट्रपीज पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी देर और सर्वाइव करना और मैंने पकड़ लिया, ठीक है, चलो यही बोला था इसने। उसके बाद इसने बोला था यहाँ पे खड़े हो जाओ, फिर ये जब नीचे जाएगा तो नीचे वाले ये जो पैराशूट क्या बोलते हैं इसको, ट्रैम्पोलिन पे जाके आपको ऊपर आना था, लेकिन ये मेरे से नहीं हुआ। फिर लास्ट ऑप्शन इसने बोला था कि अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है तो अब यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, जो कि बिल्कुल सही बोला है भाई, ये बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आके ही क्वालिफाई करता हूँ मैं हर बार, वरना मेरे से होता नहीं है। और ये पंखे का भी बोला था यार उसने, ये पंखा उड़ा देता है। तो 4% हमारा बचा है बस, ये तो मैं कहीं से भी निकाल लूँगा, लेकिन यार ये मैप सीखने में थोड़ा और टाइम लगेगा लग रहा है। यहीं से चलते हैं लेफ्ट वाली साइड से, और देखो अंदर घुसते ही क्वालिफाई कर लिया हमने। तो ये स्टॉम्पिंग राइनो फिर से आ गया भाई, और अब मैंने ट्रिक देखी, उसमें बोल रहा था ये लिली पैड पे ना बस डाइव मारते जाओ तो आप बच जाओगे, लेकिन भाई इसमें डाइव मारना तो यार बिल्कुल भी इजी नहीं है। जो कह रहा था लास्ट टाइम पे जैसे नीचे आते तो आप डाइव मारोगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो यार ये कैंसिल करो कुछ और करते हैं। दूसरी ट्रिक उसने क्या बोली थी, हाँ ये बोल रहा था कि कोने में खड़े रहो और बस फॉलो करते जाओ राइनो को, तो यही करना पड़ेगा भाई, लेकिन ये तो मुझे ही मालूम था। और वो कह रहा था जैसे ही राइनो आपकी तरफ आए तो आप बस आगे की तरफ डाइव मार दो, तो भाई ये तो इतना ईजी है नहीं जितना उसने बोल दिया भाई। यहाँ पे जगह कहाँ है भाई, जगह कहाँ है, कहाँ डाइव मारनी है भाई, कहाँ जगह दिख रही थी तुम्हें यहाँ पे भाई। लगता है ये मैप तो ना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी नहीं कर पाऊंगा कभी। और ये मैप तो यार बहुत ही अर्ली मैप है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैंने 2-3 साल पहले ही देख ली थी, तो इसलिए यार इसमें क्वालिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मुझे इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है सारी। देखो मेरे को क्लब की याद है भाई 2 साल पहले की। पहली चीज़ तो ये रहती कि इससे आप टकरा के ऐसे देखो ऐसे आगे आ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के हम सीधा डाइव मार सकते हैं, उसके बाद ये पंखे से तो टकराना नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसके बाद आगे वाले पंखे से भी हम लोग बच के जा सकते हैं अगर हम इसकी टाइमिंग नोटिस करें तो। और ये वाला पंखा अच्छा यार ये उल्टा घूम रहा है, तो इसके आपको कोने से जाना जहाँ से चालू हो रहा है, और ये देखो ये भी कर लिया। और ऐसे ही इसने इसका ही बताया था सामने वाले पंखे का, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ये वाला इतना आसान नहीं है गाइस।
क्योंकि भाई ये है, क्योंकि बहुत तेज घूम रहा है भाई, इतना थोड़ी इतना नहीं होता यार, हर कोई थोड़ी निकल सकता है। एक और बार ट्राई करते हैं, चलो दो बार नहीं हुआ ना फिर तो आप भूल ही जाओ। और वाओ डिस्कनेक्ट ही हो चुका है। तो भाई इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स कौन बताएगा मुझे कि BSNL में कैसे खेला जाता है? भाई कोई इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाओ पहले। तो पार्टी प्रोमिनेट जो भी है ये नेड ये आ चुका है, तो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो देखने की जरूरत भी नहीं क्योंकि ये पूरा सीधा मैप है, इसमें क्या ही टिप्स एंड ट्रिक्स लगाओगे आप। और इसमें मैं बहुत आराम से क्वालिफाई भी हो जाता हूँ, तो इसकी ट्रिक्स मैंने देखी तब भी वो कह रहा था जंप मारो, आप जंप मारेंगे तो क्या होगा इसमें हवा में, ये मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी भाई लॉजिक इसका। लेकिन जो भी था बहुत ही आराम से कर लूँगा ये। मैं देखो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जो मेरे को आती है। मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ भाई, बस कैरन को बचने की कोशिश करता हूँ। वैसे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, एक दो बार फेंक देगा तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे और क्या हो जाएगा भाई, और क्या हो जाएगा। बस इसमें मेन जो है ना वो ट्रपीज पकड़ना रहता है, जो आगे का रहता है, जो शायद यहाँ पे आता है, हाँ यहाँ पे ये रहा, ये देखो इसमें जो है ना ये पकड़ना बस आपको आ गया तो फिर तो क्या ही है भाई, बस यही तो पकड़ना है इसमें। ये आया, ये मैं कूदा और ये मैंने पकड़ लिया इसको, और इसके बाद यहाँ वाला तो मैं पकड़ पाता नहीं हूँ कभी क्योंकि ये देखो मेरी टाइमिंग मैच ही नहीं होती, इस बार भी नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ नीचे से आकर निकल लेता हूँ, बस यही टिप्स एंड ट्रिक्स है इसकी। और ये आ गया ब्लास्ट लैंटेज गाइस, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं ही आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छी पता क्या है, कुछ भी मत करो, जाके छुप के खड़े हो जाओ, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। बाकी अगर आपको लड़ने का शौक है तो वो भी आप बॉल फेंक सकते हो पकड़ के, उसमें भी बहुत मजा आता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी जगह बताने जा रहा हूँ जो मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा, मैंने किसी बंदे को करते हुए देखा था एक बार बीच गेम में, तो वहां मैं जाके आपको छुप के दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है ये वाली गाइस, इसके अंदर ऑलरेडी बंदा छुपा हुआ है, मतलब देख रहे हो ऑलरेडी बंदे को मालूम है, तो बहुत लोग को मालूम भी होगा। यहाँ पे आके आप छुप सकते हो ऐसे, और दो लोग भी छुप सकते हो ऐसे आराम से। ये मेरे को क्या जगह नहीं दे रहा है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है यार, अंदर बहुत जगह है, लेकिन ये मान नहीं रहा है, पता नहीं क्यों इसको मेरे से लड़ना है। हम दोनों आराम से छुप सकते हैं और आराम से क्वालिफाई भी कर सकते हैं यार। इसमें देखो ये फिर आके धक्का मुक्की कर रहा है, और ये देखो हम लोग आराम से भाई बैठे हुए यहाँ पे क्वालिफाई भी हो चुके हैं। तो ये आ गया फ्रूट शूट गाइस, इसमें तो दो ही टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक है जो सबसे खतरनाक वाली है कि नीचे के हैमर से टकरा के बिल्कुल ही आगे जा सकते हो आप। लेकिन यार आजकल पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये नीचे एक तो यार फेंक देता है, इससे पहले मैं टकरा जाऊँ और मैं इतना लेट हो जाता हूँ फिर तो टिप्स एंड ट्रिक्स की ही जरूरत रहती है मुझे, फिर मैं नॉर्मली जा नहीं सकता। देखो दो बार मैंने खराब कर दिया पूरा गेम, अब मुझे ये करके ही जाना पड़ेगा, इसके बिना मैं क्वालिफाई कर ही नहीं पाऊंगा बिना हैमर से टकराए। और बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया भाई, कब फेंकेगा ये मुझे यार, इस बार तो टकराना ही पड़ेगा गाइस हमें भाई, इस बार मार दे। ये देखो गाइस ये है वो ट्रिक जो कि मुझे बहुत ही पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इतनी लेट हुई है कि एटलीस्ट शायद क्वालिफाई ही करा दे। और दूसरी ट्रिक यही है जो मैंने अभी सीखी, मतलब पहले से ही मालूम थी तो मुझे कि भाई साइड से चलना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया फिर साइड में भी बॉल फेंकनी चालू कर दी फ्रूट्स, पहले साइड में नहीं आती थी लेकिन अब साइड में भी आती है। और ये आ गया गाइस फाइनल जंप शोडाउन, और इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स चालू होने से पहले ही मैच चालू हो गया भाई, इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाया। प्रीव्यू आते आते मैंने चालू किया, सर्च किया यूट्यूब पे, उससे पहले यार लेवल चालू हो चुका है। और ये तो कुछ अलग वाला वेरिएशन आया पंखे वाला, जिसमें यार मुझे एक चीज़ मालूम है जो मेरे साथ एक बार हुई थी कि उछको मत भाई, जब पंखा आपके सामने है ना तो उछको मत, फिर आप इजीली उड़ जाते हो। अगर आपके पैर ज़मीन पे तो आप नहीं उड़ोगे, बस आपको हवा में नहीं रहना है। और पिंक आप देख रहे हो कितनी खतरनाक हो रही है, कैसे मेरी मूवमेंट हो रही है भाई, अचानक से गेम स्लो फास्ट हो जा रहा है, पूरी लाल बत्ती दिखा रहा है ये BSNL वाला। तीन चार चीज़ों से यार यहाँ पे जूझना पड़ रहा है मुझे गाइस, लेकिन भाई एक चीज़ जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी है वो है मुझे आगे रहना है हर बार, मैं हर बार पीछे रहने के चक्कर में लेट हो जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वैसे पीछे रहना चाहिए था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी आगे रहना चाहिए यार, ये तो मैं समझ चुका हूँ। अभी जैसे मुझे देखो आगे रहना है गाइस, हमें आगे रहना है। हर बार क्या है मैं रुकता हूँ कि भाई वो रॉड है नीचे से आएगी, पीछे हो जाएगी, आराम से कूद जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए हमें आगे रहना है। जो ऊपर वाला रहता है ना इसके हमें आगे रहना है गाइस, पीछे नहीं जाना। कम ऑन कर सकते हैं हम लोग बहुत ही आराम से गाइस, चार ही लोग बचे, हम लोग कर सकते हैं यार। क्या जंप लगाई वाली, तो मज़े आ गए। ये देखो फास्ट लो जा रहे यार गेम, ये BSNL के घटिया नेट के चक्कर में यार, सिर्फ तीन लोग बचे हम लोग, पंखा भी आ रहा है, नेट भी जा रहा है, रॉड भी आ रही है, नीचे रॉड भी आ रही है, टाइल भी गायब हो रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या खेल रहा हूँ भाई, मज़े ही आ गए यार, मैं तो मतलब आउट ही नहीं हो रहा यार, कितना खतरनाक। अरे आ गया औकात पे गाइस, इसने यार मुझे ग्रैब कर दिया भाई, ये ग्रैब हटा के नहीं देते लोग, देखो ग्रैब करके हरवा दिया यार इसने।
भाई यार, वरना तो मैं नीचे नहीं कर रहा था यार, इसने ग्रैब करके गलत कर दिया है मेरे साथ। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी फॉल गाइज की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरे पिछले फॉल गाइज का गेम प्ले देखना हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, देख लो दबा के।